हेलो एवरीवन, रिएक्ट करंट यूजिंग पीएचपी एपीआई एंड माई एसक्यूएल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमने यहां से यूजर को ऐड किया था। अब हम इस यूजर के डेटा को यहां यूजर लिस्ट पे कॉल करेंगे, जैसा कि एपीआई में डेटा हमारा रिटर्न हो रहा है। तो चलते हैं यूजर लिस्ट के कंपोनेंट पर और यहाँ पर डेटा को हम कॉल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें यूज स्टेट यूज करना पड़ेगा और यूज इफेक्ट का, और यहाँ पर हम एक स्टेट वेरिएबल लेंगे कांस्टेंट में यूजर डेटा, और इसको हम सेट फंक्शन में सेट करेंगे, सेट यूजर डेटा इक्वल टू यूज स्टेट, और इसमें हम पास करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम यूज इफेक्ट का यूज करके हम एपीआई के डेटा को कॉल करेंगे। यहाँ से मैंने एक यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लिया, यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया गेट यूजर डेटा इक्वल टू, मैंने यहाँ पर असिंक फंक्शन का यूज किया, और यहाँ से और ये जो हमने कांस्टेंट दिया है ये एज ए फंक्शन है, और यहाँ से मैंने इसको रिटर्न किया और यहाँ पर एक डिपेंडेंसी पास किया। यहाँ पर एक हम कांस्टेंट लेंगे रिक्वेस्ट डेटा इक्वल टू, हम यहाँ फैच एपीआई का यूज करेंगे, फैच यहाँ से जो यूआरएल में डेटा आ रहा है मैंने इस यूआरएल को कॉपी किया और यहाँ पर फैच एपीआई में हमने कॉल किया। इतना करने के बाद ये अगला हम कांस्टेंट लेंगे रिस्पांस डेटा इक्वल टू आरक्यू डेटा डॉट जेएसएन, हमने असिंक फंक्शन का यूज़ किया तो मुझे यहाँ अवेट का यूज़ करना पड़ेगा, और इसको हम कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ हम आरएस डेटा को हम पास करेंगे और इसको हम यहाँ पे सेट स्टेट में सेट कर देंगे, स्टेट को चेंज कर देंगे, हम यहाँ पर हम सेट यूजर डेटा में पास करेंगे। इतना करने के बाद हमारे एपीआई से डेटा यहाँ पर जो कि आ रहा होगा, चलते हैं कंसोल पर, इसको मैंने रिफ्रेश किया, हम आ गए इंस्पेक्ट एलिमेंट पे और कंसोल पर चेक कर दें हमें डेटा क्या मिल रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 रिकॉर्ड हैं वो जो कि हमें एपीआई में मिल रहे हैं। अब हम इस डेटा को यहाँ पर कॉल करेंगे, उससे पहले कि हमें यहाँ पर टेबल यूज़ करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप का टेबल है, मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इस टीआर को हम यहाँ हटा देंगे, हमें क्योंकि डायनेमिक करना है, और यहाँ पर ये जो टेबल है यहाँ पर हमने एक क्लास ऐड किया टेबल बॉर्डर, इसको मैंने सेव किया, चलते हैं यूआई पर, यहाँ पर एक हमारी टेबल जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक टेबल आ गया, और टेबल में क्या होगा, यहाँ पर सीरियल नंबर होगा और यूजर नेम, ईमेल, यहाँ पर स्टेटस होगा, स्टेटस के बाद यहाँ पे एक हम टेबल हेडिंग को ऐड करेंगे और यहाँ पर होगा एक्शन। अब यहाँ पे जो हमें डेटा मिल रहा है यूजर डेटा में, यहाँ पर हम इसको मैप मेथड से जो कि डेटा को कॉल करेंगे, यहाँ पर हम यूजर डेटा डॉट मैप, और यहाँ पर यहाँ से मैंने किया इसको एंटर, जो हमारा टीआर है इसको हम यहाँ पर पास करेंगे मैप मेथड के अंदर। अब यहाँ पर यू डेटा और इंडेक्स, यहाँ पर दो पैरामीटर लेंगे, एक जिसमें डेटा आएगा यू डेटा और एक है हम इंडेक्स की, तो यहाँ पर टी आर में हमने क्या किया एक की लिया, यहाँ पर पास करेंगे इंडेक्स, और यहाँ पर जो टी एच है ना इसको हम टी डी करेंगे टेबल डेटा, और यहाँ पर हम सीरियल नंबर तो हो जाएगा इंडेक्स प्लस वन, और यू डेटा को मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पर इस डेटा को डायनेमिक करेंगे यू डेटा डॉट यूजर नेम, यूजर नेम दोगे डायनेमिक हो गया है, ये जो हमारी एपीआई है यहाँ पर है ईमेल, ईमेल के बाद स्टेटस, तो यहाँ पर इसको यू डेटा डॉट ईमेल ऐसे हम करेंगे स्टेटस के लिए, और लिखेंगे यू डेटा डॉट स्टेटस इक्वल टू वन, तो यहाँ पर क्या करें एक्टिव आ जाए एक्टिव, और यहाँ पर कॉलन देंगे और यहाँ पर इनएक्टिव,
इसको मैंने सेव किया। अब हम चलते हैं यूआई पर, कॉल स्पैन यहाँ पे जो है एरर दे रहा है, इसको हम हटा देंगे। यूनिक की है जो प्रॉप्स, यूनिक की मैंने ऐड कर दिया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, क्लास नेम है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास लगा हुआ ये देखिए, और बाकी यहाँ पर ठीक है, अब कोई एरर नहीं आ रहा होगा कंसोल पे। तो ये डेटा हमारा जो है कि यहाँ पर देखिए, एक रिकॉर्ड इनएक्टिव है और 3 रिकॉर्ड एक्टिव हैं। जैसा कि हम टेबल में देखें तो यहाँ पर देखिए जॉन का इनएक्टिव है, बाकी सबका एक्टिव है। तो देखिए यहाँ पर जॉन का इनएक्टिव है। अब यहाँ पर हम एक्शन लिखेंगे, एक्शन में क्या होगा, देखिए टीडी को ऐड किया, यहाँ पर हम करेंगे लिंक टू। अब यहाँ पर हम पाथ देंगे स्लैश एडिट यूजर, और इसको मैंने यहाँ से क्लोज किया, और यहाँ पर एडिट, और यहाँ पर एडिट करने के बाद यहाँ पर एक क्लास लगाएंगे, क्लास btn, btn success। ऐसे ही हम डिलीट के लिए भी यहाँ पर एक लिंक जनरेट करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ हम बटन भी ले सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर डिलीट, यहाँ पर जो btn सक्सेस है इसको हम डेंजर कर देंगे, इसको मैंने सेव किया। चलते हैं यूआई पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एडिट और डिलीट का यहाँ पर बटन जो है कि आ गया। इसमें हम थोड़ा स्पेस कर देते हैं, यहाँ पर देते हैं MX2, इसको मैंने सेव किया। तो देखिए हमारा डेटा यहाँ पर जो है कि डायनेमिक हो चुका है। देखिए जब हम एडिट करेंगे तो यहाँ पर हमें इसकी आईडी पास करनी होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ली ऑन करेंगे और कर्ली क्लोज करेंगे, और यहाँ पर प्लस, ये जो हमारा udata.user id, यहाँ पर करेंगे स्लैश, चलते हैं API में, API में क्या आ रहा है आईडी, तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा आईडी। मैंने रिफ्रेश किया और एंकर टैग पे देखिए यहाँ पे आईडी पास हो रही है। देखिए यहाँ पर बॉटम में देखिए लोकल होस्ट कॉलन 3000 एडिट यूजर आईडी 2, इसकी आईडी 3, इसकी आईडी 4, इसकी आईडी 5। तो हम चलते हैं एक डेटा और रिकॉर्ड को ऐड करते हैं, तो हम आ गए यूजर पर, और यहाँ पर देखिए Eloy developer@gmail.com, और इसका स्टेटस मैंने एक्टिव रखा, इसको मैंने पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद देखो यूजर एडेड सक्सेसफुली, और रीडायरेक्ट हो गया हमारा यूजर लिस्ट के पेज पर। ये देखिए Eloy developer@gmail.com, और इसका स्टेटस एक्टिव। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम डेटा को एडिट करेंगे, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।